नमस्कार, आईसीसीआर की इस संगीत सभा में आप सबका स्वागत है। पंडित यशवंत बालकृष्ण जोशी, इन्होंने क्लासिकी संगीत की परंपरागत शिक्षा अपने चाचा श्री नाथूबुआ जोशी से प्राप्त की, जो पंडित विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे। उनके पश्चात जोशी जी ने पंडित विष्णु दिगंबर जी के गुरु भाई पुणे के मीराशी बुआ से, जो गायनाचार्य पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरण जी कर के शिष्य थे और ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध गायक थे, से 10 वर्षों से ज़्यादा शिक्षा हासिल की। इसके बाद ये बम्बई आए और आगरा घराने के पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित, जो गुनीदास के नाम से प्रसिद्ध थे, उनसे भी गायन की शिक्षा प्राप्त की। इसीलिए इनकी गायकी में आगरा और ग्वालियर घराने की अच्छी सुंदर छाप मिलती है। भारत में बहुत कम ऐसे संगीत सम्मेलन हैं जिनमें इन्होंने भाग न लिया हो। इनके साथ संबद्ध करने वाले कलाकार हैं पंडित इंद्रलाल जी, सारंगी के साथ हैं। तबले पर हैं श्री सुरेश गायतोंडे, हारमोनियम महमूद धौलपुरी, तानपुरा श्री कृष्ण देव जी और रामदेश पांडे, तानपुरा श्री कृष्ण दलवी और रामदेश पांडे। मैं भाई गायतोंडे के बारे में बताना चाहूँगा कि ये ऐसे तबला वादक हैं जिन्होंने उस्ताद अहमद जान थरकवा को देखा तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये इनका कहना है कि इनके तबले में उनका बाज है। इनका तबला वादन की शिक्षा कुनीदास जगन्नाथ बुआ पुरोहित से पाई इन्होंने, जो स्वयं उस्ताद अहमद जान थरकवा के शिष्य थे। इन्होंने विनायक घानकरेकर से भी तबला वादन की शिक्षा हासिल की है और इन दिनों ये लालजी गोखले से मार्गदर्शन ले रहे हैं। लालजी गोखले भी अहमद जान थरकवा के शागिर्द थे। पंडित यशवंत बालकृष्ण जोशी जी आरंभ कर रहे हैं राग श्री से।
Ah, 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 ah.
Ah, 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 ah.
इसके बाद राग बिहाग Yeah.
मुख को नथ बे
Bye.